अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ फ्लावर्स से। मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सारे फ्लावर्स लेके दिए थे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं पीसी बूरबन जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों ने अपना रूम बुक करवाया हुआ है और बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया था। अभी मौसम भी बहुत अच्छा है, तो फोग है और हल्की हल्की सी धूप भी है, लेकिन बहुत अच्छा है। हम लोग पहुँच गए यहाँ पे पीसी बूरबन और यहाँ पे हमारी कार की सारी जमीन रही है। उन्होंने अपनी जो स्कूटी वहाँ से थी वो सारी अपनी तसली करके, तो फिर गाड़ी वहाँ पर अंदर घूमकर मिले देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने उनसे पास लिए थे, हमने सॉरी उनसे पास लिए थे 1500 वो पर हेड लेते हैं। तो उन्होंने मुझे था वो पास नहीं है और अभी हम लोग अंदर इंटर होंगे, तो मैं आपको सारा पीसी बूरबन दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरती और इतनी ग्रीनरी मैंने आज से पहले कभी किसी भी होटल में नहीं देखी जितनी यहाँ पे थी। और बहुत अच्छी सिक्योरिटी थी, बहुत अच्छे यहाँ पे जो यहाँ पे होटल के मेंबर्स थे, जो यहाँ पे वर्कर्स थे, वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। हर जगह जगह पर वो खड़े हुए थे और हेल्प वगैरह जहाँ पर जिसको जिस चीज़ की हेल्प की ज़रूरत थी वो हेल्प कर रहे थे। अभी हम लोग इंटर हो रहे हैं, अभी हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे और फिर हम लोग आगे जाएंगे। तो चलें जी इंजॉय करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कर रहे हैं अपनी गाड़ी को पार्क और हम लोग पहुँच चुके हैं अंदर। और बच्चों को मैं उतारेंगे हम लोग यहाँ पे नीचे। और हम लोगों ने बहुत 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 इंजॉय किया था, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। आप लोग भी ज़रूर जाना, विज़िट करना, वहाँ के रूम का विज़िट करना। एक इतना दिल को सुकून मिल रहा था यहाँ पे आके, और बच्चे भी मेरे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। हम लोगों ने खूब इंजॉय किया था। और नेक्स्ट डे जब हम लोग वहाँ से आने लगे थे तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, स्नोफॉल शुरू हो गया था। वो उस अभी हम लोग वहाँ से निकले ही थे तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल शुरू हो गया था, तो इसलिए हम लोग वहाँ से फटोफट निकल आए थे। क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट ईयर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मरी में बर्फ़ पड़ी थी और बहुत सारे हादसे हो गए थे, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे ज़्यादा देर हमने स्टे नहीं किया था। तो ये पीसी का एंट्रेंस है, बहुत प्यारा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे थी क्रिसमस का इवेंट। इन लोगों ने क्रिसमस की वजह से यहाँ पे डेकोरेशन की हुई थी बहुत ज़्यादा, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैं आगे आपको दिखाती रहूँगी। इन्होंने इतनी इतनी प्यारी डेकोरेशन की हुई थी और बहुत खूबसूरत सजाया हुआ था इन्होंने, तो आप लोग भी देखिएगा और इंजॉय कीजिएगा। ये क्रिसमस का इन लोगों ने इसलिए इतना डेकोरेट किया हुआ था क्योंकि जो यहाँ पीसी के ऑनर हैं वो क्रिश्चियन हैं और उनकी थी क्रिसमस और न्यू ईयर भी था, तो इस वजह से उन लोगों ने इतना ज़्यादा डेकोरेट किया हुआ था। और यहाँ से हम नीचे उतर चुके हैं और आज मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी फैमिली से। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है मेरी छोटी सी स्वीट फैमिली, और आप लोग भी देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और हम लोगों ने यहाँ पे जो रूम बुक करवाया था, मैं वहाँ का एंट्रेंस भी आपको दिखाती हूँ। ये हम लोगों ने यहाँ पे रूम बुक करवाया था, तो मैं अपना रूम चेक करके वापस आ रही थी, तो माशाल्लाह रूम भी हमारा बहुत खूबसूरत था। और ये इनका है एरिया, यहाँ पे बैडमिंटन और अंदर खेलने के लिए एक जगह सी बनी हुई है, तो यहाँ पे बच्चे इंजॉय करें। खूब इंजॉय किया था, खूब इंजॉय किया था हम लोगों ने। लाऊं? छोटी सी बात है पापा, आपके बिना मेरी क्या औकात है पापा। मैं मांगदा हां तेरी तंदुरुस्ती सच्चे रब्बी अगे दोवे हाथ जोड़। बड़ी प्यारी
बड़ी खूबसूरती थी, बहुत प्यारे मंजर थे, ग्रीनरी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी। और ये पीसी होटल के अंदर ही हैं हम लोग अभी, तो इतना बड़ा ये होटल है कि हम एक दिन में तो पूरा बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो इसलिए हम लोगों ने नेक्स्ट हम लोग जब यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था तो सुबह की भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, लेकिन मेरे मोबाइल की मेमोरी भी फुल हुई हुई थी और मेरे मोबाइल की बैटरी भी बहुत डाउन हो गई थी, इस वजह से कुछ वीडियोज़ मैं नहीं बना सकी। और ये ना शतूत, इसको जो बोलते हैं वो जो पक्के काले हो जाते हैं, ये वो शतूत थे, अभी लगे हुए थे, अभी पक्के नहीं थे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर दरख्त शतूतों के भी लगे हुए थे और बहुत मज़ा आया था, बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया था। आप लोग भी देखें, इंजॉय कीजिए और ज़रूर जाना आप लोग भी देखने के लिए। मरी मरी का बहुत प्यारा मौसम हुआ हुआ था और ये यहाँ बहुत ज़्यादा खौफनाक सीढ़ी है, पर मैं उतर रही हूँ, मुझे यहाँ से नीचे उतर ही रही थी, चाह चढ़ा हुआ है मुझे इधर सीढ़ियों से उतरने का, क्योंकि आज मैंने आपको पीसी होटल की सैर करवाई है। आप लोग भी बताना आपको कैसा लगा पीसी होटल। और यहाँ पे देखूंगी अभी यहाँ पे रश बहुत है, क्रिसमस की वजह से कोई रूम वगैरह नहीं मिल रहा। अल्लाह का मेरे हस्बैंड को मेरे बच्चों को इसी तरह सलामत रखे और मेरी फैमिली। देखती हूँ सांस चढ़ गया बहुत ज्यादा, पूरी नजरों से हसरत की नजरों से दूर। कहते हैं रुलते गए हैं पर चस्प बड़ी आई है। आप लोग भी इसी तरह खुश रहा करें, इंजॉय किया करें। और ये रहा मेरा छोटा सा हाशिर। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, वहाँ पे जंगल था, जंगल वाली साइड पे हम लोग वैसे ही वॉक करते करते गए तो वहाँ पे ना ये टमाटर लगे हुए थे। खुदा की शान देखें कि जंगल में टमाटर लगे हुए थे और दो टमाटर नीचे गिरे हुए थे और दो टमाटर ऊपर थे। और ये देखें सारा जंगल ही जंगल, बहुत ज़्यादा जंगल था, लेकिन सारा था ये देखो कितनी ज़्यादा फोक है। मैंने थोड़ा सा फोकस करके दिखाने की कोशिश की, कितनी ज़्यादा फोक है सही तरह। और ये वो जगह है जहाँ पे पीसी भूलबन का जो मालिक है ना उसका हेलीकॉप्टर उतरता है, जिनका एंजॉय करो देख के, जिनका होटल है वो वहाँ। यहाँ के ओनर यहाँ पे जब आते हैं तो वो अपने हेलीकॉप्टर पे आते हैं तो वो यहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर उतरता है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत, मैंने पहले भी आपको दिखाई थी, अभी हम लोग जब दूसरे दिन वहाँ से निकल रहे थे तो तब का मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मॉर्निंग टाइम है, हम लोग वापस आ रहे थे तो मैंने कहा आपके साथ मैं ये भी शेयर करती हूँ। तो हम लोगों ने वहाँ से ली थी फ़िश, तो मैंने बच्चों को मैं यहाँ पे बाय बाय भी कर रही हूँ, दिल भी उदास हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिल मेरा उदास हो रहा था क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था पिंडी वाली साइड पे आने को, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं वापस घर वाली साइड पे जाऊँ। हम लोगों ने काफ़ी टाइम यहाँ पे स्टे किया था और इतना दिल खुश हो रहा था। तो अब हम लोग ये दिन का टाइम है तो वहाँ से फ़िश ली थी, तो मैं बच्चों को जो है ना ये इस तरह फ़िश में से कांटे वांटे निकाल के तो वो बच्चों को खिला रही थी और वही मैं भी खा रही थी। मुझे इतनी कोई ज़्यादा फ्राई फ़िश पसंद नहीं है, लेकिन बस भूख वहाँ मरी में जाओ तो पकोड़े फ़िश रोस्ट इस तरह की चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो आज का व्लॉग कैसा लगा, मिलती हूँ किसी और व्लॉग में, बाय बाय।